बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री चंदौली पहुंचे, जहां सभी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63वीं फीट ऊंची प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शीश नवाया। साथ ही दोदिहार पर उकेरे उनके जीवन चरित्र का दर्शन किया। सभी मुख्यमंत्रियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आशीर्वाद लेने के साथ एक घंटे तक पैदल घूमकर स्मृति स्थल के कोने कोने की सुंदरता को निहारा। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग पर आने पर हमें सौभाग्य मिला। हम सभी लोग यहां प्रेरणा लेते हैं। ये जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ और हमारे सभी उप मुख्यमंत्रियों के साथ मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्मारक पर आने का सौभाग्य मिला। हम सब लोग यहाँ से प्रेरणा लेते हैं। हम सब जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे राजनीतिक दल जो आज भारतीय जनता पार्टी है और शुरू में ये भारतीय जनसंघ थी, इसके एक तरीके से प्रमुख नेता के रूप में और जिन्होंने स्थापना काल में पार्टी को अखिल भारतीय बनाया, ऐसे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से हम करोड़ों कार्यकर्ता प्रेरणा लेते हैं। हम जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे विचारधारा के विचारक भी थे, संगठक भी थे और राजनेता भी थे। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी नेता में तीनों खूबियां हों। उनमें वो तीनों खूबियां थी। वो उन्होंने हमारे विचारधारा को एक विचार दिया, एकात्म मानववाद को उन्होंने प्रतिस्थापित किया और साथ ही साथ हम जन नेता के रूप में कैसे हमें काम करना चाहिए, इसकी भी हमको उनसे प्रेरणा मिलती है। और संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम अवधि में राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय जनसंघ को अखिल भारतीय पार्टी बनाया। ऐसे महान विभूति जो हम सबको असामयिक छोड़ करके चले गए और उनकी मृत्यु, उनका अंतिम सांस, ये अभी भी सबके लिए एक तरीके से सस्पेंस बना हुआ है। किस तरीके से उनकी संदेहास्पद स्थिति में उन्होंने उनका जीवन लीला समाप्त हुई, लेकिन हमारे करोड़ों कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेते हैं। और आज बहुत ही हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे 12 मुख्यमंत्री, 9 उप मुख्यमंत्री सभी ने आकर के स्मारक पर शीश झुकाया, नमन किया और उनसे प्रेरणा ली है। वहीं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत ने कहा कि देश में स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी हो रही है, इसका अनुभव हम लोगों को हुआ है और गंगा आरती देखकर अलग ही अनुभूति हुई। हम कल अभी दर्शन के लिए भी जाएंगे और फिर अयोध्या के लिए निकलेंगे और ये 2-3 दिनों के कार्यक्रम में एक स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है नेशन की, वो कैसी होनी चाहिए ये भी हमने अनुभव किया। कल जब गंगा तट के गंगा घाट पे जो आरती हुई है उसे भी एक अलग ही अनुभूति हुई है। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये सोचा है कि हमारा देश विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है और स्पिरिचुअलिटी क्या है वो अगर हमें पूरे संसार को सिखानी है तो शायद भारत ही एक देश है ये जो कर सकता है, तो उसकी अनुभूति हुई है। देश के 8 राज्यों के मुख्यमंत्री व 4 उप मुख्यमंत्री मंगलवार को पड़ाव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल पहुंचे और ये चंदौली के लिए इतिहास बन गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंदौली से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।